में पिछले कुछ दिनों से शांति चल रही है। इसकी वजह ये है कि इसराइल और हमास के बीच शांति बनी हुई है, दोनों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी है, जिसकी वजह से गुरुवार तक कोई भी हमला नहीं किया गया। इस युद्ध विराम के दौरान हमास अपनी कैद से इसराइल के लोगों को रिहा कर रहा है, जबकि इसराइल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर रहा है। हमास इसराइल पर लगातार हमले कर रहा था, जिसका इसराइल ने हमास से बदला लिया। इसराइल पर हमले का बदला आईडीएफ ने लगभग ले ही लिया है। इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर हमास के एक एक ठिकाने को तबाह कर दिया है। अब आईडीएफ के डर से हमास के प्रमुख नेता कतर की राजधानी दोहा और अन्य देशों में पनाह लिए हुए हैं। अब इसी के चलते कतर को इस बात का डर सता रहा है कि इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद कतर में पना लिए हमास के आकाओं को मारने का ऑपरेशन चला सकती है। हालांकि मोसाद ने ऐसे किसी भी मिशन से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिणी इसराइल में हमला किया था। इस हमले में 1400 लोग मारे गए थे और हमास ने लगभग 200 लोगों को बंधक बनाया था। इतना कुछ होने के बाद इसराइल ने हमास से बदले लेने की कसम खाई और आईडीएफ की सेना ने हमास के गाजा में जमीनी कार्रवाई करते हुए सभी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसराइल की इस कार्रवाई के बाद से ही हमास के प्रमुख नेता गाजा, इंस्ताबुल, बेरुत और दोहा में छिपे हुए हैं। इसी बीच हमास और इसराइल के बीच शांति वार्ता कर रहे कतर को एक अलग डर सताने लगा है। कतर को डर है कि इसराइल ने शीर्ष नेता इस्माइल हानिया और उनके पूर्ववर्ती सहयोगी नेता खालिद मेशाल को मिटाने की कसम खाई है। अगर ऐसा होता है तो ये हमला कतर की धरती पर ही हो सकता है। गौरतलब है कि इसराइल पहले भी विदेशी धरती पर अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए हमले कर चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर फास्ट के साथ।